और देवघर में वीर कुंवर सिंह चौक पर सूबे के महागठबंधन सरकार के 4 साल पूरे होने पर आजसू के कार्यकर्ताओं ने वादा खिलाफी के विरोध में विश्वासघात दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम देवघर डीसी को ज्ञापन सौंपकर चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किया सभी वादों को आने वाले साल में पूरा करने की भी मांग की। आज हेमंत सोरेन के महागठबंधन सरकार का 4 साल पूरा हुआ है। इस 4 सालों में जो हेमंत सोरेन जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था 2019 के चुनाव से पहले कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, नहीं तो 5 लाख नौकरी हर 2 साल में देंगे, महिलाओं को 50% का आरक्षण देंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे, इत्यादि ऐसे कई ऐसे वादे उन्होंने किए थे। एक भी वादा पे वो खड़ा नहीं उतर पाए। आज हम लोग एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं मुख्यमंत्री को, उसमें लिखा हुआ है, उनको याद दिलाएंगे कि सर इतना जो वादा आप किए हैं उसमें से एक भी वादा आप पूरा किए हैं क्या। आज हम लोग इसमें सारा उनका वादा लिखे हैं जो वो बोले थे कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर पूरा होगा, लेकिन आज 4 साल बीत गया है लेकिन आज तक कुछ पूरा नहीं हुआ है। आज यहाँ पे देवघर जिले में सभी प्रखंड से आए हैं, सभी अपने अपने समस्या को लेकर के आए हैं। क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उसका तो कोई हिसाब नहीं। प्रखंड हो चाहे थाना हो चाहे अंचल कार्यालय हो, बिना लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आम जनता त्रस्त हो चुकी है, सिर्फ खनिज संपदाओं की लूट खसोट चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है राज्य में। क्या नाम चीज के लिए किया गया जा रहा है? आदरणीय सुदेश कुमार महतो के द्वारा झारखंड के 2400 जिलों में हम लोग विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। विश्वासघात दिवस मनाने का हम लोग का ये है कि ये जो झारखंड सरकार है इनका 4 साल पूरा हो गया है, ये कहीं ना कहीं कुमकर्णी निद्रा में सोई हुई है, तो उसी आज इसी के लिए हम लोग उन्हें जगाने के लिए बैठे हुए हैं एक वीर कुंवर सिंह चौक देवघर पर। क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए उनका जो सरकार जो चल रही है निकम्मी सरकार का जो घोषणा पत्र था, हमारी कोई मांग नहीं है। उन्होंने जो जिस घोषणा पत्र के तहत जनमत पाया, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने बोला था कि आवास में 3 कमरे होंगे, राशन में चीनी के साथ चाय पत्ती देंगे, साबुन देंगे, एवं विभिन्न विभिन्न तरह के उन्होंने लव लुभावन भावनाओं को लोगों के साथ खिलवाड़ किया। उसी को हम लोग जो सरकार कुमकंदरी निद्रा में सोई है उनको जगाने के लिए, और उन्होंने जो घोषणा पत्र में खुद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, हम लोग का मांग है कि घोषणा पत्र में जो उन्होंने अपने जनता से जो वादा किया उनको पूरा करें।